हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा माय हैंडसम रूममेट के पार्ट थर्ड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। मोई और यू यू ब्रश कर रहे होते हैं तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। मोई दरवाज़ा खोलने जाती है तो दरवाजे पर शॉकिंग होता है। मोई चौंक कर दरवाज़ा बंद कर देती है। मोई योयू को अपने रूम में छुपा देती है और उसके कपड़े भी छुपा कर दरवाज़ा खोलती है। शॉकिंग पूछता है कि उसने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। मोई कहती है कि वो बस सफाई कर रही थी। मोई शॉकिंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है अभी। शाओकिंग कहता है कि उसी ने तो कहा था कि उसके घर में एक कैट है तो वो उसी से मिलने आया है। मोई झूठ बोल देती है कि कैट अभी घर पर नहीं है। मोई पूछती है कि वो इतनी सुबह आया है तो क्या वो बिजी नहीं है। शाओकिंग कहता है कि वो बस उससे मिलना चाहता था। शाओकिंग आसपास देखकर कहता है कि उसके घर में एक भी कैट का हेयर क्यों नहीं है। मोई कहती है कि उसने अपने घर की सफाई की है अभी। शाओकिंग कहने लगता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। शाओकिंग आसपास देखकर पूछता है कि उसके घर में कैट के लिए लिटर बॉक्स क्यों नहीं है। मोई कहती है कि उसे लिटर बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कैट को खुद बाहर घुमाती है और खुद ही बाहर पी करवाती है। शाओकिंग पूछता है कि वो इतना घबरा क्यों रही है, कहीं वो घर में किसी को छुपा तो नहीं रही है। मोई तुरंत ना करती है। शाओकिंग चेक करने जाने लगता है पर मोई उसे रोकने लगती है। शाओकिंग कहता है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो वो उसे चेक क्यों नहीं करने दे रही है। शाओकिंग मोई को साइड करने लगता है तो मोई शाओकिंग के ऊपर गिर जाती है। मोई जल्दी से उठ जाती है। शाओकिंग कहने लगता है कि उन्हें सेम बेड पर सोए बहुत वक्त हो गया। मोई उसे डांट कर कहने लगती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। मोई कहती है कि वो बिना बताए आ गया और वो ज़बरदस्ती उसके रूम में भी घुस गया, वो उसे समझता क्या है आखिर। शाओकिंग कहता है कि वो उसे गर्लफ्रेंड समझता है। मोई उसे घूरने लगती है तो शाओकिंग कहता है कि वो उसकी फीमेल फ्रेंड है। शाओकिंग कहता है कि दोनों में अंतर ही क्या है। शाओकिंग पूछता है कि क्या वो उसके साथ फेयर ग्राउंड चलेगी। मोई कहती है कि वो कंपटीशन के कारण काफ़ी बिजी है इसीलिए वो कहीं भी नहीं जाएगी। शाओकिंग कहता है कि अगर वो बिजी है तो फिर तो उसे कोई ख्याल रखने वाला चाहिए, तो वो उसके घर पर आ जाए ताकि वो उसका ख्याल रख सके। मोई कहती है कि वो उसके घर में क्यों रहेगी। शाओकिंग कहता है कि वो लोग पहले भी तो साथ में रह चुके हैं। मोई कहने लगती है कि वो पास था। मोई शाओकिंग को बाहर भगा देती है। योयू मोई से पूछता है कि वो लड़का कौन था। मोई कहती है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। योयू पूछता है कि क्या वो उसके साथ रही हुई है। मोई कहती है कि वो लोग पैसों के कमी के कारण एक घर में रहे हुए हैं। योयू पूछता है कि क्या वो शाओकिंग की गर्लफ्रेंड है। मोई कहती है कि वो बस उसकी फीमेल फ्रेंड है। योयू अपनी जॉब के लिए आ जाता है तो उसकी कलीग उसे काम समझाने लगती है। योयू सोचने लगता है कि क्या मोई और शाओकिंग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मोई अपने कलीग्स के साथ डिज़ाइन प्लान डिस्कस कर रही होती है। मोई के कलीग्स कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि मोई लिनशिन को हरा देगी। शाओकिंग मोई को कॉल करता है कि वो उसके बिल्डिंग के बाहर है। मोई पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। शाओकिंग कहता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया है कि मोई के घर पर कोई मैन रहता है। शाओकिंग पूछता है कि क्या वो उसे डेट कर रही है। मोई पूछती है कि वो उस पर नज़र क्यों रख रहा था। शाओकिंग कहता है कि मोई को कोई भी डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए वो उस लड़के को खुद ही चेक करेगा, इसीलिए वो उसके घर जा रहा है। ये कहकर शाओकिंग कॉल कट कर देता है। शाओकिंग दरवाज़ा नॉक करता है। योयू दरवाज़ा खोल देता है तो वो शाओकिंग को देख कर पूछता है कि वो कौन है। शाओकिंग योयू कहता है कि वो एक अजनबी को ये सब क्यों बताए। योयू दरवाज़ा बंद करने लगता है तो शाओकिंग रोक कर कहता है कि वो मोई का बेस्ट फ्रेंड है। योयू पूछता है कि क्या वो मोई के साथ रहता था। शाओकिंग पूछता है कि पहले वो बताए कि वो कौन है। योयू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रहा है। शाओकिंग अंदर आकर पूछता है कि वो किस रूम में रह रहा है। योयू कहता है कि जिस रूम में पहले वो रहा करता था उसी रूम में वो रह रहा है। शाओकिंग कहता है कि वो सीधे सीधे बताए। योयू कहता है कि वो मोई के पुराने रूममेट के रूम में रह रहा है। शाओकिंग कहने लगता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा।
यूयू पूछता है कि पहले वो सच बताए कि क्या वो मोई का बॉयफ्रेंड है। शाओ किंग हंसकर कहने लगता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यूयू कहता है कि उसे उस पर यकीन नहीं है। शाओ किंग कहता है कि मोई उसके टाइप की है ही नहीं, और वैसे भी मोई पहले से ही किसी और को लाइक करती है। यूयू पूछता है कि वो किसे लाइक करती है। शाओ किंग कहने लगता है कि जब तक वो नहीं बताएगा कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, तब तक वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तो यूयू उसे बताता है कि वो टीवी सेट से आया है, और जब तक मोई का टीवी ठीक नहीं हो जाता वो यहीं पर रहने वाला है। शाओ किंग को ये सब मजाक लगने लगता है, तो वो यूयू से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ पे मोई आ जाती है। मोई शाओ किंग को बाहर निकाल कर कहती है कि यूयू उसका रिलेटिव है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो आगे से उसे तंग ना करें। शाओ किंग कहता है कि उसे तो यूयू बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मोई कहती है कि अगर वो नॉर्मल होता तो वो ये थोड़ी ना कहता कि वो टीवी सेट से आया है। शाओ किंग कहता है कि अगर ऐसा था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मोई कहती है कि वो अपनी हर बात उसे क्यों बताएगी। शाओ किंग कहता है कि उसे तो उसकी बस चिंता हो रही थी। मोई कहती है कि वो बच्ची नहीं है। ये कहकर मोई चली जाती है। शाओ किंग भी चला जाता है। मोई रेडी हो रही होती है तो यूयू पूछता है कि क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड शाओ किंग से मिलने जा रही है। मोई कहती है कि उसकी माँ ने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है, वो भी इन कपड़ों में। मोई कहती है कि उसका ब्लाइंड डेट उसकी कंपनी के नीचे वाले रेस्टोरेंट में मिलने वाला है, तो अगर उसके कलीग्स उसे ऐसे देख लेंगे तो वो बहुत हंसेंगे। यूयू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ना जाए। मोई कहती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी। यूयू कहता है कि फिर वो चली जाए। मोई कहती है कि वो एक अजनबी से जाकर क्या बात करेगी। यूयू कहता है कि फिर वो ना जाए। मोई कहती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। यूयू कहता है कि फिर वो चली जाए। मोई कहती है कि वो उसे कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है। मोई कहती है कि अगर वो चली जाएगी तो क्या उसे चिंता नहीं होगी। यूयू कहता है कि चिंता तो उसके प्यारे बेस्ट फ्रेंड को होनी चाहिए। ये कहकर यूयू चला जाता है। मोई सोचने लगती है कि आज यूयू को हो क्या गया है। मोई जब ब्लाइंड डेट के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि उसका ब्लाइंड डेट उसका मैनेजर फ्रेंड दानेंग है। यूयू सोचने लगता है कि अगर मोई की डेट अच्छी चली गई तो क्या होगा। मोई दानेंग से पूछती है कि वो ब्लाइंड डेट पर क्यों आया है। दानेंग कहता है कि वो अपनी माँ की वजह से आया है। दानेंग कहता है कि वो तो यूयू के साथ रहती है, तो वो क्यों ब्लाइंड डेट पर आई है। मोई कहती है कि उसकी माँ ने उसे फोर्स किया है। मोई वॉशरूम जा रही होती है तो दानेंग उसे किसी काम से रोकने लगता है। तभी यूयू वहाँ आ जाता है, और ये देखकर उसे लगता है कि मोई का ब्लाइंड डेट उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो यूयू आकर उसे एक पंच मार देता है। यूयू को जब पता चलता है कि वो दानेंग है तो वो उसे सॉरी कहने लगता है। दानेंग चला जाता है। मोई यूयू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। यूयू कहता है कि वो सुपर मार्केट जाने आया था। यूयू कहता है कि वो बस रास्ता भूल गया था। मोई पूछती है कि कहीं वो जेलस तो नहीं हो रहा है। यूयू कहता है कि वो जेलस क्यों होगा। ये कहकर वो जाने लगता है, तो मोई भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है। सब मोई के घर पर आ जाते हैं। मोई की माँ पूछती है कि उसने यूयू को बॉयफ्रेंड बनने के लिए कितने पैसे दिए हैं। मोई कहती है कि यूयू उसका फेक बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो उसका असली बॉयफ्रेंड है। मोई की माँ कहती है कि उसे तो दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। मोई कहती है कि वो लोग बस उनके सामने थोड़ा शर्मा रहे हैं। मोई यूयू को अपने हाथों से एप्पल खिलाने लगती है, और उसे भी उसे खिलाने का इशारा करती है, तो यूयू भी उसे एप्पल खिलाने लगता है। मोई की माँ पूछती है कि क्या उसने वॉशरूम के सेल्फ वाली चीज़ें यूज़ कर ली, तो मोई अपनी माँ को बहाना बनाकर वहाँ से ले जाती है। मोई की माँ पूछती है कि वो यूयू को कब से डेट कर रही है। मोई कहती है कि वो एक महीने से उसे डेट कर रही है। मोई की माँ कहती है कि फिर उसने प्रोटेक्शन किट अभी तक क्यों नहीं यूज़ की। मोई कहती है कि वो इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लेगी, तो वो चिंता ना करें। मोई की माँ कहती है कि वो हमेशा सब कुछ खुद ही हैंडल करती है, और उसने तो उसे ये भी नहीं बताया था कि मिडिल स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। मोई की माँ कहती है कि अगर किसी लड़के ने उसे नहीं बचाया होता तो पता नहीं आज क्या होता। मोई की माँ कहती है कि उसे पता है कि वो उस लड़के को लाइक करती थी। मोई की माँ कहती है कि जब अब उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो अब वो उस लड़के को भूल जाए, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उसकी लव लाइफ में। मोई की माँ जाने लगती है तो यूयू उन्हें गिफ्ट देता है।
यूयू और मुई डिनर करने आ जाते हैं। मुई यूयू को उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए थैंक्स कहती है। मुई पूछती है कि अगर ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगी तो कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगी। यूयू कहता है कि उसने कभी भी किसी को डेट ही नहीं किया है क्योंकि वो हमेशा काम में बिजी रहता था। मुई पूछती है कि क्या वो अब किसी को डेट नहीं करना चाहता। यूयू कहता है कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही कॉमिक्स के बारे में सोचता था। मुई पूछती है कि उसने किस चीज़ की ड्राइंग की है रिसेंटली। यूयू नहीं बता रहा होता है पर मुई जिद करने लगती है तो यूयू उससे अपने लेटेस्ट ड्राइंग के बारे में बताने लगता है। मुई उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। यूयू कहता है कि वो ऐसी बकवास थीम पर कॉमिक नहीं बनाना चाहता था। मुई पूछती है कि फिर उसने ड्राइंग क्यों की। यूयू कहता है कि उसने अपने सारे पैसे अपनी पहली कॉमिक बनाने में लगा दिए थे और उसके बाद उसकी नेक्स्ट कॉमिक की इंस्पिरेशन उसे नहीं मिल रही थी। यूयू कहता है कि फेमस कार्टूनिस्ट होते हुए भी वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा था तो वो एनेक्शियस होता जा रहा था और ख़ुद से हताश भी हो रहा था, इसीलिए उसे कंपनी ने ये ड्रॉ करने के लिए फोर्स कर दिया। मुई कहती है कि उसे नहीं पता था कि यूयू की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। मुई कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे उसकी इंस्पिरेशन जल्दी मिल जाएगी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।